हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो मैं मौसी जी घर आ चुका हूँ और आज का अपना व्लॉग शुरू करता हूँ, देखते रहिए। राम राम जी। तो फिर से देखिए, हम मध्य गंगा बैराज आ चुके हैं और मीनाक्षी पहली बार आज बैराज पर आई है। मीनाक्षी तो मीनाक्षी को आज बैराज घुमा दूँ, गंगा जी के दर्शन करा दूँ इसी वहाँ से। देखिए, यह है मध्य गंगा बैराज। और मीनाक्षी भी यहाँ पर घूम रही थी और अपने फोटो खींच रही थी। अच्छा लग रहा था यहाँ पर घूम कर, पहली बार बोल रहे हैं कि मैं पहली बार आया हूँ। गई तो यहाँ पर दो तीन फेरी है, यहाँ को गई है बस, लेकिन यहाँ पर रुके नहीं जी मारे यहाँ से। और कोवे देखे कितने बैठे हैं वहाँ पर भी इस बाउंड्री पर, और इधर भी जी मार रहे थे। बैराज से निकलने के बाद कुछ ही दूरी पर जाम लग गया था। यहाँ पर आधा पौन घंटा हम जाम में फंस गए, जिसकी वजह से और भी लेट हो गए हम घर के जाने के लिए। और एक बार मैं और गगन आए थे यहाँ पर, मम्मा जी के यहाँ पर, उनकी लड़की जन्मदिन में। और उस टाइम पे तो हम 15-16 किलोमीटर जाम जाम में चले थे, 2 घंटे में निकले थे हम जाम में से। उस समय बैराज के पास पुल निर्माण हो रहा था, जिस कारण हम इतने घंटे जाम में फंस गए थे। और यह खुतुल्ली त्रिवेणी शुगर मिल, जिसमें पापा जी जॉब करते हैं इस मिल में, और बुढ़ाने मिल की सोसाइटी है, दफ्तर है, वहाँ पर पापा जी जॉब करते हैं। और यहाँ हम नहर के पास पहुँचे हैं, खतौली नहर के पास। यहाँ पर बहुत ठंडा पानी होता है, तो यहाँ पर पानी पिया हमने और फिर घर के लिए चल दिए। देखिए घर पहुँच चुके हम। कैसा लग रहा है? क्या है? बहुत खुश आज यार। मीनाक्षी आ चुकी है। मीनाक्षी कैसा लग रहा? देखिए क्या दिन हो चुके हैं, बाइक चलाते चलाते नाना पड़ेगा दोबारा पहले, और उसके बाद ड्यूटी पे जाता हूँ मैं। आ चुका हूँ मैं और ड्यूटी पे चलता हूँ अपनी। पूजा चला तुम्हें ध्यान रखिए मीनाक्षी का, ठीक है? चलता हूँ मैं। और गाय की तबीयत हमारी भी ठीक नहीं हुई है, इसके पैर में खारवे से हो रहे हैं और इसके मुंह से घास भी नहीं खाया जा रहा, इसकी जीभ लाल हो रही है। और 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, कुछ तो कमज़ोर रही थी और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। इसकी बीमारी ख़त्म नहीं होती, इसके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, ये भी ठीक नहीं रहती। गगन और अंकित दवाई दे रहे हैं, इसके जीभ पे दवाई लगा रहे हैं। इसका रस्ता लाल हो गई, जरा सी लग रही है। सर जी का छोड़ दो, अरे रगड़ तो गई इसके मुंह पे, जीभ पे। गगन ने अंकित ने इसके दवाई लगा दी है और दवाई असर करने लगी है। देखिए कैसे अपने मुंह को झटकने लगी, चीस होने लगी इसके मुंह में। ये जानवर है, अपने दर्द तो नहीं बता सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इसको, हम समझ सकते हैं। ठीक करने के लिए दवाई तो देनी पड़ेगी। और गगन की उंगली में दांत लग गया जब दवाई दे रहे थे, देखिए चीस हो रही है इसको। और नीचे देखिए दोनों बहनें पानी भर रही हैं फ्रिज के लिए, कुछ पानी रख लेते हैं फ्रिज के लिए ठंडा सा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। निमटा जा सारा काम नहीं रहा रहा बर्तन रहे साफ करने का। अब तो सारा पूजा को कहाँ पर मंडा दिया है मीनाक्षी? अब तो सारा काम पर मंडा दिया मगा। और पूजा को काम करवा रही है। अच्छा और गर्मी में कुछ राहत की सांसें मिल रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है।
बहुत अच्छी बारिश हो चुकी है, देखिए कितनी तेज बारिश हो चुकी है। हाँ ठीक हो गई, कम होती थी बहुत। उस शाम का समय हो चुका, देख कितना अंधेरा हो चुका है, और आज बरसात में आए हैं, देख छत पे पानी भर रहा है। मैं और पापा जी दोनों भीगते हुए आए आज। पूजा और मीनाक्षी खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं आज? पीला चावल। अरे देखिए पीले चावल और पीली पीली ड्रेस दोनों ऐसी हो रही है, पहचान में नहीं आ रही कौन सी पूजा कौन सी मीनाक्षी। अच्छा अच्छा, घेर में गए थे। अच्छा तो आज बना रही पूजा पीले चावल है, और पीले चावल खिचड़ी, हमारे यहाँ तो खिचड़ी बोलते हैं इसको, और सब पीले चावल बताते हैं, नमकीन चावल बताते हैं, तो हम तो खिचड़ी बोलते हैं इसको ही। और मीनाक्षी बोलती है कि हम तो पीले चावल बोलते हैं। एक बार इन्होंने इन्हें छुटने कर दिया, खिचड़ी बना लो, तो बरसात के मौसम में पूजा जो है खिचड़ी बना रही है और कुछ रोटियां। जीरा टमाटर भूनने के बाद पूजा डाल रही है मसाला, हल्दी नमक मिर्च, बस ये चीज़ है, हल्का फुल्का ही। गरम मसाला भी यूज नहीं कर रहे, गरम मसाला सर्दियों में यूज करेंगे। अब तो हरा धनिया पुदीना डाल देते हैं पिसोया। यही तो नाक्षी तारा भी बनाना खिचड़ी कैसा बनाओ अलग तरीके से। मैं तो मसाले बहुत पुराने जमा लो। मीनाक्षी पूजा का तरीका देख रही है आज खिचड़ी बनाने का, बोलती थी मतलब वीडियो में देखती थी, आज घर आके देख लिया। अच्छा तो चिल्ले भी खुआने इसकी फरमाइश आ जाता। चिल्ले चिल्ले बना कर खुआने कब को? पर आज तो बारिश हो रही थी, हमने चावल कोई बात नहीं, दिन में बनाएंगे भी, दिन में जिस दिन भैया छुट्टी रहेंगे ना संडे बना लेंगे नाश्ते में। पापा की भी छुट्टी रहेगा और हम भी छुट्टी रहेगा, चलो चावल छोड़ चल गैस कर दिमाग नहीं और चलाने में लिए चमचे दो रास तो पीले तो जब भी होंगे चावल इसमें धो रही हूँ चावल तो पीले जब भी होंगे। और आज दोनों बहनों ने देखे पीले पीले सूट पहन रखे हैं, कुर्ती है, कुर्ती है, सूट है, सब कुर्ती प्लाजो और एक का फ्रॉक। हाँ, इसलिए फ्रॉक प्लाजो। और आज ये घेर में गए थे दोनों और बोल रहे, और सबने टोका से इन्हें दोनों को वहाँ पर बोल रहे थे कि आज तो दोनों बहनों पीले पीले हो रही है, और पड़ोसियों ने भी टोका इनकी सहेलियों ने।
गाय की काट दी थोड़ी जी, गाय की काट दी है। खिचड़ी हमारी बन चुकी है चटपटी खिलखिली, आप भी खा लीजिए। और कल प्रशांत सिंह का जन्मदिन था 20 सितंबर को, उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सरला देवी के लड़के। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राम राम जी।